मैं हूं आलिशान आर न्यूज़ से मोहम्मद नफीस। जैसा कि हम खबरों में, न्यूज़ में, अखबारों में पढ़ रहे हैं, बड़ी पंचायत के सरपंच मदन पंडित पर लग रहे अवैध वसूली के आरोप, उन आरोपों के बारे में सत्यता जानने के लिए जब हम निकले और मदन पंडित से उस बारे में हमने बातचीत की, तो मदन पंडित ने जो हमें जवाब दिए हैं वो जवाब है इस प्रकार, आप देखिए पंडित की जुबानी। मैं आपके इस न्यूज में, मुझे मौका मिला है इस्तीफा देने का, तो मैं आपके इस न्यूज के माध्यम से मैं आपको जनता को बताना चाहता हूँ कि आरोप तो लगना लोकतंत्र में एक आम बात है। आरोप लग जाते हैं, आरोप सिद्ध होना बहुत बड़ी बात होती है। आरोप तो क्या है कि अब जो विरोधी होते हैं वो लगाते रहते हैं और उनका काम ही होता है, जो सेकंड नंबर पे जो व्यक्ति रहता है, चाहे किसी भी चुनाव में देख लो आओ, वो कुछ न कुछ ऊपर वाले आदमी पर अपने आरोप लगाने के लिए लगा रहता है। तो इसी संदर्भ में ये मामला भी सामने आया, आपने न्यूज वाले आपने भी देखा है और सबने देखा, पूरे उदयपुर देख रहा है कि शिल्पग्राम महोत्सव चल रहा है, वहां पर गरीब आदमी, बड़े आदमी, छोटे आदमी सभी लोग वहां आते हैं और उसे कार्यक्रम होता है। उसके बाद शिल्पग्राम के अंदर जो होता है वो जो दुकानें डेवलपमेंट होती हैं, वो दुकानें बागुर की हवेली जो पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां से सिस्टम्स होती हैं, उस पर उसके अंदर गरीब आदमी वहां दुकान भी लेता है, क्योंकि राबड़ी और पापड़ी, मक्की की रोटी और गन्ने के रस एक बड़े आदमी बेचते हैं, गांव का आदमी बेचता है। तो इस संदर्भ में वहां दुकानें बिकी है, वहां 15,000 एक दुकान की रेट है, मिनिमम 15,000 रुपए मिनिमम एक दुकान की रेट है। तो उस पर क्या हो रहा है कि 15,000 से लगाकर वो बोलिए 1,00,000 तक गई, उसकी रसीद उनको मिली है। तो वहां पर वो गरीब आदमी है, राबड़ी कौन बेचता है? टाटा अंबानी वाला व्यक्ति, अंबानी के रिलायंस के पेट्रोलियम के मालिक वहां जाकर नहीं बेचेंगे, उसकी जो एजेंसी ले रखी है वो लोग नहीं बेचेंगे, है वहां पर जाके कोई छोटा मोटा कोई किसी का कोई व्यापार वाला तो बेचेगा? एक गरीब आदमी राबड़ी छाछ और मक्की की रोटी गन्ने का बेचेगा? उन लोगों ने 15% लगाकर 1,00,000 की दुकानें ली है। तो वो मामला हो गया, उनके अंदर का मामला हो गया। और पंचायत के बाहर जो दुकानें लगती है वो पंचायत एरिया में, जो जमीन चाहे किसी भी खाते हो, चाहे फॉरेस्ट के खाते हैं, चाहे भले यूआईटी के खाते हैं, लेकिन क्षेत्र अधिकार पंचायत का है। वहां हम लोगों को पंचायत को सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने हम लोगों को सफेद मिला के बैठा रखा, कोई हमने कोई समिति मिला के, समिति से कोई अध्यक्ष नहीं हूं मैं, लोकतंत्र के सिस्टम से हूं। पंडित नेहरू जी ने कानून बनाया, पंचायत बनाया, उस सिस्टम का मैं वहां का एक सरपंच हूं और मेरा क्षेत्र का अधिकार है, मेरे पंचायत एक्ट अधिनियम बोलता है, मैं अधिनियम के ऊपर न तो मैं उसके ऊपर जा रहा हूं, न मैं अधिनियम के साथ छेड़छाड़ कर रहा हूं, अधिनियम के अनुरूप मैं वहां पर लोगों को दुकानदार आ रहे हैं। वहां पर कौन आएगा दुकानदार रोड पर दुकान बेचने के लिए? रोड बात होता है, जो बाहर दुकान लगी है शिल्पग्राम बाहर, वो पंचायत के एरिया में लगी हुई है, वो पंचायत का एरिया है, वहां पर बर्तन वाला आएगा, गन्ने वाला आएगा, छोटी मोटी खाने की दुकान वाला आएगा, छोटी मोटी नाश्ता दुकान वाला आएगा, कोई अपने खिलौने बर्तन वाला आएगा, वहां पर कोई बड़ा आदमी टाटा शोरूम वाला मालिक आके सैमसंग वाला आके तो बेचेगा? वहां तो दुकानदार थोड़ी आएंगे, उनसे तो रसीद के पैसे लेंगे हम। तो हमने रसीद के पैसे लास्ट में लिए हैं, उसमें भी जो लोग उसमें 50 दुकान लगी मान लो, उस 50 दुकान के अंदर ऐसे लोगों को देखा है हमने 10 दिन के अंदर, उनका व्यापार कैसे चला है, एक सिस्टम में आने के लिए उनसे हमने 50 रुपया रोज के हिसाब से या 100 रुपये के हिसाब से 1,500 से ऊपर रसीद काटनी है, और फिर भी ऐसी स्थिति हो रही है तो उसकी जाँच हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और दूध का दूध पकाने के बाद हो जाएगा। और उसके बाद में आज बताना चाहता हूँ, क्षेत्र में हम लोग पैसा नहीं लेते, तो वहां पर कुछ एक हवाला गांव है, वहां कुछ व्यक्ति हवाला गांव का कुछ व्यक्ति हवाला गांव में कुछ अप्रतिनिधि के सीधा उनको बड़ी बात नहीं है, वो उनसे अवैध पैसा वसूलते हैं, हम लोग देख रहे हैं। मैं बात समझ आया हूँ, मेरा जन्म ही एक है और 15 साल मेरे को करीब 20 साल मेरे को हो गए उस सिस्टम में, मैं उन लोगों को देखता हूँ, लेकिन आज मैं मेन पद पे हूँ तो मेरा अधिकार है गलत काम नहीं हो। और मैं मेरा ये मानना है, मैं मीडिया से माध्यम बताना चाहता हूँ, बड़ी एरिया में आए दिन मेरे पर विपक्षी लोग माने या फिर लोगों की चाल समझो मेरे पर आरोप लगाए जाते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा हो गया, 500 रुपए के लिए आज मेरे लिए बड़ा कानून एक बड़ा सिस्टम बन गया, और सभी टीवी वाले ने, अखबार वाले ने, मीडिया वाले छाप दिया है, पैसे वसूल रहा है सरपंच, अवैध वसूल रहा है, अवैध नहीं, मैं अधिनियम के तहत पैसे वसूल के मैं जेब में नहीं डाल रहा हूँ, मैं अधिनियम के तहत वसूल रहा हूँ, उसकी रसीद दे रहा हूँ। उसके बाद भी ऐसी स्थिति हो रही है तो मैं प्रशासन से बताना चाहता हूँ, प्रशासन से सिस्टम बताना चाहता हूँ, बड़ी आज की तारीख में हब है, अपराध का हब समझ जाओ, अपराध का एक घर है बड़ी, उस अपराध के घर में क्या हो रहा है मैं जानता हूँ, मैं सरपंच हूँ,
मैं इतने दिन मैं चुप था क्योंकि मेरी औकात नहीं थी, मैं नीचे लेवल का व्यक्ति था, लेकिन आज मैं पद पे बैठा हुआ हूँ और कौन प्रशासन में मेरी सहायता कर रहा है, कौन अधिकारी मेरी सहायता नहीं कर रहा है, सब मेरे पास उसकी रिपोर्ट है और आगे वाले आगे तक भी रिपोर्ट है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, अपराध का गढ़ है बड़ी, वहाँ अवैध शराब बिक रहा है, वहां पर एक दुकान दारू की है, वहां तो कम से कम 50 दुकान अवैध दारू की दुकान लगी हुई है और डिपार्टमेंट को सब पता है, प्रशासन को सब पता है। उसके बाद में चरस, गाजा, अफीम और ये सरेआम बिक्री है, उसके लिए प्रशासन नहीं है। मदन मट्टी ने 500 रुपए की रसीद काट दिए, सरपंच ने रसीद काट दिए, रसीद दे दिए, उसके लिए लूट रहा हूँ गरीब आदमी को, मैं गरीब आदमी को लूट रहा हूँ। वहां पर अपना माता है बहन ने बड़ी से दिवाली से दिवाली से होकर बड़ी तलाब करते हैं, उस रस्ते में रात को आप 8 बजे जा सकते हो, वहां की हालत देख लेना। उसके बाद राजीव गांधी से लगाकर आप बड़ी तलाब जा सकते हो, वहां सजनगढ़ से लगाकर आप बड़ी तलाब रात को जा सकते हो। वो अपराध का एक गढ़ है, उस गढ़ के अंदर क्या हो रहा है, कितना अपराध हो रहा है, कितनी अफीम कितना तस्करी हो रही है अफीम की, वहां पर ये चरस, हीरोइन, ये ऐसे गांजा, एक नॉर्मल बात हो गई है। उस पर सरकार प्रशासन का ध्यान नहीं है। केवल मदन पंडित क्या कर रहा है तो खर्च देखे उनकी न्यूज ऐसी, मदन पंडित क्या कर रहा है, मदन पंडित अधिनियम और संविधान के खिलाफ काम नहीं करेगा, जिससे मेरे पे कोई लाचन रख सके। अपराध मैंने अभी बताया था कि आपने मुझे बताया था कि अपराध मेरे पे किसी प्रकार का आरोप लगना वो चीज है। मेरे पे कई प्रकार आरोप लगाए, विरोधियों ने कई प्रकार पैसे खा जाते हैं, नल के आरोप लगाए, वहां के वहां चोरी के आरोप लगाए, वहां ये करते हैं, आरोप सिद्ध होना वो एक बड़ी बात होती है। मैं तो मेरी ईमानदारी से काम कर रहा हूँ और काम करता रहूंगा, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जनता से, जनता में मेरे प्रति गलत वातावरण पैदा हो। और मैं अभी वहां पर जनता से बताना चाहता हूँ कि क्षेत्र में कौन क्या कर रहा है, इनके गैंग है और एक बहुत बड़ा रिकेट चल रहा है, और ये रिकेट बहुत तगड़ा वाला रिकेट चल रहा है, ये मैं बताना चाहता हूँ। इस रिकेट के अंदर कौन लोग मिला हुआ है, कौन नहीं मिला है, और मैं अगर गैंग मेरे पे हमला करती है, करीब मेरे पास 4 बार हमला हो चुका है और पुलिस प्रशासन ने मेरी कितनी सहायता की है। एक सरपंच के ऊपर हमला हो जाता है और कितने उन लोगों को 2 दिन में एक भी छूट किया जाते हैं, तो कितना बड़ा इस सिस्टम है इनका। मतलब मेरे पे हो रहा है, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, मैं परिवार के लिए लड़ रहा हूँ, मैं गांव के लिए लड़ रहा हूँ, अपराध के लिए लड़ना चाहता हूँ। अवैध जो कारोबार हो रहा है उस एरिया में, अवैध वसूली हो रही है, लोगों को लूटना, बड़ी के तलाब पे आए दिन अपराध होते हैं, कितनी बार अपराध हुए हैं, उसके भी बड़ी उसके मामले भी हुए थे, बड़ी के अंदर कई प्रकार के ऐसे मामले हो रहे हैं, लेकिन आज उसका कोई धड़ी धुरी नहीं है। और मैं आगे आ रहा हूँ, मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं शेर राशि से बताना चाहता हूँ, मदन पंडित जीवन में कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे एक ही में मेरे पंचायत क्षेत्र में मुझे कोई लाचन लग सके या उदयपुर क्षेत्र में मेरे को लाचन लग सके। मैं जनता के बीच में जब तक हूँ और जब तक मेरी सीट है, एक दिन में मैं समझ लूंगा तो मैं सिस्टम से चलूंगा और संविधान के ऊपर नहीं चलूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने मुझे जनता ने बुलाया और मेरे शपथ दे दिए। बहुत बहुत धन्यवाद।